रिद्धि सिद्धि देने वाले बजरंगबली आप सबकी सुरक्षा भी करे, आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सके, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। देश के अंदर 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के मतदान के बाद देश के अंदर जो रुझान देखने को मिला है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत के साथ प्राप्त होने जा रहा है और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने जा रहा हूं कि देश की जो आवाज है वह आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य किए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला दी है। बहन और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी, बम विस्फोट होते थे, असुरक्षा का वातावरण था, लोग भयभीत रहते थे। 2014 के बाद आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते आते मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जो जड़ थी कश्मीर की धारा 370, उसी को समाप्त करके उखाड़ फेंक दिया गया और आज भारत में आतंकवाद का नेस्तनाबूत कर दिया गया। बहनों और भाइयों, अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण? मोदी जी के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं। कांग्रेस के समय में तो आतंकी वारदात होती थी, एक कानों में तेल डालकर के चुपचाप सो जाते थे, आंखों में चश्मा लगा करके ये लोग चुपचाप अनदेखी कर देते थे, कहते थे हम देख रहे हैं देखेंगे। अनदेखी करते हुए भी कहते थे कि हम देख रहे हैं देखेंगे और आतंकी अपनी वारदात को आगे बढ़ाता था और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई। इतनी बेशर्मी की कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन लोगों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया और उस समय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की सरकार पर, कहा था आज आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो और कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे,
ये नहीं होने देगी न्यायपालिका।